अमीर बनने के पांच सीक्रेट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अमीर सबको बनना है, किसको नहीं बनना है? अमीर सभी को अमीर बनना है, मगर अमीर बनने के लिए जो करना चाहिए वो करना नहीं किसी को। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया के समझो 5-6 लोग जो है एकदम टॉप वाले, उनकी संपत्ति सब पैसा इकट्ठा लाया और वो 5 लोगों का पैसा सब दुनिया को बांट दिया इक्वल प्रमाण में, 10 साल बाद में ये जो 5 लोग हैं उनके पास में उतना ही पैसा वापस आ जाएगा और जिनको बांट दिया था उनका पैसा फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस मन का जो एटीट्यूड रहता है, उसका जो माइंडसेट रहता है वो अलग ही रहता है। जिसका माइंडसेट बिजनेस मन का है वो अमीर जल्दी बन सकता है। 5% लोगों के पास में 95% संपत्ति है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइंडसेट अलग है बिजनेसमैन का। कौन सा माइंडसेट है? नंबर एक, अमीर जो बनते हैं लोग अपने बिजनेस से कमाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। नंबर एक, देखा देखी से बचे। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, अनंत अंबानी की देखो 5,000 करोड़ रुपए की शादी हो गई, इतना पैसा कर लिया, इतना बड़प्पन बताया, क्या वाह, क्या सूट, क्या खाना, ये वैसा। हमने भी करना चाहिए, हमको जितना पूरा था उतना। और लोग कर्जा निकाल निकाल कर शादियाँ करते हैं। बेटी तो चली जाती है शादी करके और यहाँ बाप जो है वो कर्जा चुकाते बैठता है ज़िंदगी भर, और कुछ दिन बाद में बेटी वापस आती है क्योंकि घर में खटके हो रहे हैं, वो बोलते कि और पैसा लाओ, और बेटी वापस और कर्जा वैसा का वैसा। कभी भी अपने औकात के ऊपर शादियों में या कोई उत्सव में खर्चा नहीं करना चाहिए। लोन निकाल के तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों का देख दख कर हमने खर्चा नहीं करना है। नंबर दो, सेविंग मनी। अमीर लोग सेविंग करके बहुत अमीर हो जाते हैं। सेविंग मनी लोग क्या करते हैं? खर्चा करते हैं कमाने के बाद में, जो बचा वो सेविंग करते हैं। सेविंग करने के लिए बचता ही नहीं। मैं उल्टा बोलता हूँ, कमाया पहले सेविंग करो और बाद में खर्चा करो। सेविंग कितना करना चाहिए? सेविंग 10% से 30% अपने आय का हर महीने में आपने खर्चा निकालने के पहले वो निकालना चाहिए बाजू में। मतलब जितनी भी आपकी आय होगी, 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो 2,000 रुपये आपने सेविंग करना चाहिए। सेविंग सबसे ज़्यादा आमदनी जो है, जो आप पिछले 10 साल की देखते हैं, 10 ईयर्स फॉलोअप आप देखते हैं समझो, तो स्टॉक मार्केट में आपको 18 से 20% सालाना दिया हुआ है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक मार्केट। एकदम स्टैंडर्ड शेयर खरीदना है और स्टे इन्वेस्टेड, सेविंग मनी। जितना पैसा मतलब आपको जल्दी चाहिए या कुछ इमरजेंसी हो सकती है उतना पैसा बैंक में रखो ताकि आप कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ पैसा गोल्ड और कैश में घर में रख सकते हैं। नंबर तीन जो है वो है मौके पर चौका लगाओ। मौके पर चौका क्या होता है? देखिए, आपको एंटिसिपेट करते आना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। जैसा बहुत सारे लोगों ने एंटिसिपेट किया कि अयोध्या में राम मंदिर होने वाला, जैसा अनाउंसमेंट हो गया, जहाँ राम मंदिर बना हुआ है उसके आजू बाजू में लोगों ने बहुत ज़मीन खरीद लिया और आज उसके दाम कहीं के कहीं निकल गए, कुछ भी हो गए। तो ये आपको देखना होगा कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ रेलवे लाइन आ रही है, फिर कहाँ कारखाने तैयार हो रहे हैं। वो साइड की ज़मीन आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो रहा था और इलेक्शन के पहले दिन जब एग्जिट पोल आ गए और वो देख के मार्केट एकदम ऊपर चले गया, और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना चालू हो गए, धड़ाल धड़ाल मार्केट नीचे आ गया, 3,000-4,000 पॉइंट टूट गया। बहुत ही अच्छा मौका था उस समय खरीदने का। वैसे ही फिर मार्केट रिकवर हो गया, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट की ये हो गया आशंका कि भाई अभी ये होने वाला है, लोगों को मतलब ये हो गया कि नहीं अभी कंफर्टेबली आ सकते हैं मोदी गवर्नमेंट, तो फिर से मार्केट ऊपर चले गया। मगर जो लोगों ने वहाँ चौका लगाया जब 3,000-4,000 पॉइंट नीचे गिर गया था, उनके तो चांदी हो गई। तो ऐसा मौके पर चौका लगाना बहुत ज़रूरी है। नंबर चार जो है वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदो, जो खरीद सकते हो मत खरीदो। आप खरीद तो आज मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो लोन पे मिलती है, एप्पल का फ़ोन भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो भी लोन पे मिलता है, सभी चीज़ें लोन पे अवेलेबल है। मगर लोन जब आप लेते हैं तो ब्याज ब्याज में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कोई भी जो मज़े वाली चीज़ है वो कभी भी लोन पे लेना नहीं है, जो मज़ा एंजॉयमेंट करने वाली जो है वो, क्योंकि आप कमा रहे हैं, महीना भर कष्ट कर रहे हैं, सारा पैसा जैसा 1 तारीख को आता है आप लगा देते हैं ईएमआई में, हाथ में पैसे ही नहीं आता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदना है, जो खरीद सकते हो मत खरीदो। खरीद तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
नंबर 5, अमीर बनिए मत, अमीर रहिए। क्या होता है कि लोग अमीर तो बन जाते हैं मगर रहते नहीं है। जितना कमा लिया समझो खाते को लॉटरी लग जाती है, एक साल के अंदर फिर गरीब, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है वो पैसे का करना क्या है, कैसे करना है, कैसे काम पे लगाना है। तो वो टिकना जरूरी है। अमीर बनना आसान है, अमीर रहना और टिक कर रहना अमीर वो कठिन है। ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस सेमिनार्स में आती है। मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप जो है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।